हेलो मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, आज मैंने पहना है लाल साड़ी, तो देखिए। तो अभी टाइम बजा है 10:30, यानी आज रूद बहुत लेट से उठा है और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा जो इतना भी काम है ना कंप्लीट हो चुका है। तो इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है रूद पर, क्योंकि बच्चे जब सोवा रहते ना तो ऑब्वियसली सब काम हो जाता है। तो वही मैं आपको बता रही थी कि आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा बेटा मुझे सब काम करने दिया है। क्योंकि जब मेरे साथ साथ ये उठ जाता है ना सुबह 6 बजे, 6:30 बजे, कभी कभी 5:30 बजे उठ जाता है, उठ के ना सोता नहीं है, रोते रहता है, उसको गोदी में लेके घूमना पड़ता है, तो उसका पीछे में ना बहुत ज़्यादा टाइम मेरा निकल जाता है। तो ऐसे करते करते ना बहुत टाइम चल जाता है ना, फिर काम भी उसे ही लेट हो जाता है सब काम में। तो इसीलिए मुझे बहुत प्यार आ रहा है क्योंकि आज मैं बहुत सुबह उठी थी। आज मैं लगभग 5 बजे उठ के अपना योगा जो है वो की हूँ, लेकिन मैंने वीडियो वो नहीं बनाई थी क्योंकि मैं भूल गई थी वीडियो बनाने। तो फिर देखिए मैं अभी अच्छे से रेडी हो रही हूँ। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे, अपने घर पे सुरक्षित होंगे। तो मैं अभी स्टार्ट कर चुकी हूँ वीडियो को। अगर मेरा ये वीडियो देख के आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मेरे सासू माँ का जो रूम है उसका बेडशीट मैंने चेंज नहीं किया था, अभी धोने के लिए निकाल चुकी हूँ। और ये जो बेडशीट है ये नया वाला बेडशीट है, तो उसी को मैं अच्छे से बिछा देती हूँ बेड पर। और गुड़िया ब्रेकफास्ट में ब्रेड बटर ली थी, तो वो तो बहुत सुबह उठ जाती है इसके पापा का साथ ही। तो अभी जैसे कि 10:30 बज रहा है ना, तो उसको थोड़ा सा फ्रूट्स दे देती हूँ। और ये महाराज तो मेरा उठ के बैठा है लेकिन मुंह में एक बार भी भात नहीं लिया है। जैसे कि मैंने यहाँ पे रूद के लिए बॉयल खाना बनाया था, दाल, मूंग की दाल, चावल और एक आलू देखे, तो उसको ना सिर्फ आलू ही पसंद है, बॉयल आलू उसको खाना बहुत पसंद है। पता नहीं क्यों वो खाता पीता बहुत कम है, तो शायद इस वजह से वो बहुत पतला भी है मेरा बेटा। तो साथ ही जैसे कि लंच का टाइम हो चुका है, मैं यहाँ पे चावल चढ़ा चुकी हूँ और आज बनाऊँगी लौकी की दाल। तो ये गर्म के दिन में ना बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं लौकी की दाल, ज़्यादातर हम लेडीज़ के लिए बहुत अच्छे होते हैं ये दाल लौकी देखे। तो इधर देखिए बच्चों लोगों के, पता नहीं वो लोग क्या क्या करते रहते, इतना शोर मचता है ना मेरे घर पर, आप शायद ध्यान दे, मेरा हर वीडियो में मेरा दोनों बच्चा का आवाज़ मिलेगा क्योंकि ये घर में बहुत शोर मचता है दो बच्चों का। तो इधर पे जो ब्रेकफास्ट हम लोगों ने किए थे, थोड़ा बहुत बर्तन था उसी को मैं धो रही हूँ, क्योंकि अभी नहीं धो के रखने से ना लंच का जो फिर से बर्तन जो हो जाएगा, फिर बहुत सारा बर्तन हो जाएगा, तो इसीलिए थोड़ा मोड़ा धो लेती हूँ बर्तन को। और हस्बैंड का 2 बार फ़ोन आ चुका है, उनको कुछ इम्पोर्टेंट कागज़ चाहिए था। इतना देर से मैं कागज़ खोज रही हूँ और देखिए ना कागज़ खोजते खोजते मैंने क्या हाल कर दिया है। तो फिर से आई हूँ किचन पे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है और गला चटकने लगा है मेरा गर्मी के मारे, क्योंकि ब्रेकफास्ट मैंने सुबह ही कर ली थी, अभी तक कुछ भी नहीं खाया, तो थोड़ा सा शरबत खा ली थी। यानी मैं यहाँ पे टेंग का ऑरेंज फ्लेवर लाया था, या मैं 2 पीसेस नींबू का चीप के खा रही हूँ। मुझे ऐसा करके खाने से बहुत टेस्टी लगता है, अच्छा भी लगता है, थोड़ा खट्टा खट्टा। तो थोड़ा बैठ के थोड़ा आराम से खा पी लेती हूँ शरबत। यहाँ पे ट्राईपोड लेके मेरा पीछे में रूद को देखिए, मेरा ऐसा ही करता है रूद, मेरा ट्राईपोड लेके खेलते रहता है और कुछ कुछ बोल रहा था आपके सामने। तो दोस्तों चलिए ब्लॉग को करते हैं एंड। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं कल दोस्तों, बाय बाय।